Hello everyone, in today's video we are going to create some easy DIYs and it's also from waste material. So let's do it together and enjoy crafting. And this time I have planned to decorate corner. So watch till the end and let me know your feedback. For this DIY we need a piece of cardboard, but the cardboard size must be a bigger one because we are going to draw flaming over this. It's very easy to draw this bird over the cardboard surface और मैं जिस तरह बहुत ही आसानी से इसका लेआउट बना रही हूँ आप इसे फॉलो करके बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा बिल्कुल ही ड्राइंग है नहीं है, देन ऑल्सो यू डोंट वरी, यू जस्ट टेक अ प्रिंट आउट एंड कॉपी इट ओवर द कार्डबोर्ड सर्फेस एंड देन कट इट आउट। नाउ इट्स टाइम टू कट द कार्डबोर्ड और मैं यहाँ हॉबी नाइफ की यूज से इसको कट कर रही हूँ। अगर आप सीजर से कंफर्टेबल हो देन यू कैन ऑल्सो कट इट बाय सीजर्स। हाँ दोस्तों, अगर आप हॉबी नाइफ यूज़ कर रहे हो देन यू मस्ट रिमेम्बर कि आप कटिंग मैट जरूर यूज़ करना, क्योंकि कटिंग मैट के साथ इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। और देखिए दोस्तों, ये मेरा बहुत सुंदर तरीके से और बहुत आसानी से निकल आया और ये मेरा अब बन के तैयार है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू कलर दिस फ्लेमिंगो। एंड इसके लिए मैं हमेशा की तरह अब भी बोलूँगी कि यू मस्ट कवर द साइड एजेस, क्योंकि साइड एजेस जो ओपन अप होता है उसके साथ हम कलर आसानी से लगा नहीं पाते हैं। सो मैं यहाँ मास्किंग टेप की यूज़ से इसे कवर कर दे रही हूँ। और आपके पास अगर मास्किंग टेप ना हो देन आप पेपर को कट करके इसको ग्लू के साथ भी चिपका सकते हो। मैं सारे साइड्स को मास्किंग टेप से कवर कर ली, पर मैं इसके नीचे वाले पोर्शन को कवर नहीं करूँगी क्योंकि मेरे जो नीचे वाला पोर्शन है ये मेरे बाहर दिखाई नहीं देगा। सो इट्स नीड नॉट टू कवर दैट पोर्शन। एंड इट्स टाइम टू गिव इट अ बेस कोट। एंड बेस कोट के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं वाइट एक्रिलिक पेंट ही यूज़ करती हूँ और इस बार भी मैं वाइट एक्रिलिक पेंट ही यूज़ कर रही हूँ। बस ध्यान रहे बेस जो कोट होगा आप ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो सारा बेस है वो यूनिफॉर्मली कवर हो जाए। ध्यान रहे दोस्तों, आप एक साइड सूखने के बाद ही दूसरे साइड कलर करना। और ये भी ध्यान रहे कि आप सारे एजेस को अच्छे से कलर दे रहे हैं। ये दूसरी साइड भी सूखने के बाद मैं इसके ऊपर फ्लेमिंगो का कलर करने वाले पिंक कलर यूज़ करूँगी। ये जो पिंक कलर होता है वो आसानी से हमें क्राफ्ट स्टोर में मिल जाता है या तो फिर किसी भी कॉलर बॉक्स में भी आ जाता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप चाहो तो आप वहाँ जा कर देख भी सकते हो आइडिया के लिए या फिर ख़रीद भी सकते हो। Yes, but you should not apply that pink color over the flamingo directly. You just mix it with white acrylic paint and use it. And now it's time to cover the another side. And मैं हमेशा की तरह आपको इस बार भी बोलूँगी कि एक साइड सूखने के बाद ही आप दूसरे साइड को कलर लगाना। And साइड का जो पोर्शन है उससे भी आप अच्छे से कलर के साथ कवर कर लेना। And it's time to color the big part. And big के लिए मैं ब्लैक एक्रिलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ। आप धीरे से और पतला सा जो पेंट ब्रश होता है उसके साथ आप इस पार्ट को कवर कर सकते हो। कमिंग टू इट्स आईज एंड आई लेसेस बनाने के लिए आप जीरो या फिर जीरो नंबर के नीचे वाले ब्रश यूज़ कर सकते हो। मूविंग टूवर्ड्स इट्स लेग्स पार्ट एंड लेग्स के लिए मैं दो डावल्स यूज़ कर रही हूँ। एंड ये जो फ्लेमिंगो वर्ड हमारा होगा इसे मैं एक मूविंग पोर्शन देने वाली हूँ। तो एक साइड इसका जो लेग है इसको मैं स्ट्रेट रखूँगी और दूसरी साइड जो लेग है इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर दूँगी। और फोल्ड करने के लिए मैं हबी नाइफ के साथ इसके जो डावल के जो बीच वाला पार्ट है इसे कट कर दे रही हूँ। इसे हम बाद में चिपकाएंगे।
सो पहले क्या करेंगे कि जो स्ट्रेट वाला पोर्शन का लेग होगा इसे हम सेम पिंक कलर के साथ कलर लगा देंगे एंड इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। At the meantime, we can also color another two sticks and ये सारे एक साथ सूख भी जाएगा हमारा। सो ये सूखने के बाद मैं इसको स्टिक करवा दूंगी ग्लू के साथ और मैं यहाँ हॉट ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ और हॉट ग्लू भी सूखने के बाद मैं इसे कलर लगवा दूंगी वही सेम पिंक कलर। Now I'm taking this empty color bottle and इसकी कैप में यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि as I mentioned कि मैं एक साइड लेग को स्टांड करने वाली हूँ और स्टांड पोर्शन में रखने के लिए मुझे एक बेस चाहिए था जिसके लिए मुझे लगा कि ये वाला जो कैप है ये परफेक्ट आएगा। And now we'll stick the dowel over the cap surface with the help of hot glue. But आपको ध्यान रहे दोस्तों कि जो hot glue होगा उसकी सेमी सॉलिड फॉर्म में ही हम इसे स्टिक करेंगे, नहीं तो क्या होगा अगर आप इसे लिक्विड फॉर्म में स्टिक करोगे तो वो गिर जाएगा। एंड मैं इसे भी वही सेम वाला कलर लगवा दी एंड नाउ बोथ द लेग्स आर रेडी। मैं इसे अभी फ्लेमिंगो के ऊपर चिपकाने वाली हूँ और जो दो लेग्स होगा वो दोनों साइड में आएगा। तो एक साइड में मैं इसकी स्ट्रेट वाला जो लेग है इसे रखूँगी और इसे मैं हॉट ग्लू के साथ पहले चिपका दूँगी। पहले तो इसे मैं ड्राई होने के लिए पूरा छोड़ दूँगी, नहीं तो हॉट ग्लू लग जाएगा टेबल के ऊपर। एंड ये सूखने के बाद जो दूसरे साइड का लेग है मैं इसे भी सेम तरीके से चिपका दूँगी। And now it's time to make some feathers. And feathers के लिए मैं कुछ colorful paper ले रही हूँ और ये तो यहाँ मैं crepe paper का use कर रही हूँ, but it's not mandatory to use crepe paper only. अगर आपके पास कोई भी और किस तरह का भी paper हो जो colorful हो आप उसे use कर सकते हो। जो फीदर्स हम बनाने जा रहे हैं मैं इसे एक्चुअली में एक फैंसी लुक देने वाली थी, इसीलिए मैं सोचा कि मैं इसे थोड़ा सा फ्लावरी शेप दे दूं। सो इसीलिए मैं दो कलर के पेपर को लेयर बाय लेयर रख के इसको धागे के साथ टाई अप कर ली और जिस तरह जिगजैग पोर्शन में मैं रख ली आप इसे फॉलो भी कर सकते हो और ये बस खुलने के बाद ही अपने आप बहुत सुंदर सा फ्लावर बन जाएगा। दोस्तों जो फ्लेमिंगो बर्ड है ना ये आजकल ज़्यादा कुछ ट्रेंडिंग में रह रही है, हर कोई कुछ ना कुछ तो बना रहे हैं उसके थीम में। मैं देखी हूँ कोई पेंटिंग्स बना रहे हैं, कोई कोई तो क्राफ्ट भी बना रहे हैं, तो मुझे ईजी सा प्रोजेक्ट चाहिए था इसीलिए मैं ये वाला प्रोजेक्ट की ट्यूटोरियल बना ली। होप कि आपको भी पसंद आया होगा और आप भी बना के खुश होंगे। एंड यस डियर इट्स रेडी नाउ, मेरा फ्लेमिंगो पूरा बन के तैयार है। पर इसका जो फाइनल वाला लुक है ना दोस्तों मैं इस बार आपको वीडियो के लास्ट में ही दिखाऊंगी क्योंकि इस बार मैं कर्नर डेकोरेशन करने जा रही हूँ आप सब के लिए और ये कर्नर में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। सो दोस्तों डू वॉच द फुल ट्यूटोरियल एंड लेट मी नो योर फीडबैक। For this DIY, we need a tetra pack and here I am using the Tropicana tetra pack. You can also use the milk tetra pack. And now to cut it out, I am marking it with a sketch pen and then I will cut it with Harvey knife. And now it's ready to cut it out. And cut करने के लिए मैं यहाँ हॉबी नाइफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी तरह के पेपर कटिंग नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप सीजर से कंफर्टेबल हो देन यू कैन ऑल्सो यूज सीजर्स। आई एम गोइंग टू यूज इट एज अ फ्लावर बेस और एज अ पेन स्टैंड। सो एक्चुअली मैं इसे एक वाटरिंग कैन का लुक्स देने वाली हूँ और वाटरिंग कैन के लुक देने के लिए मुझे हैंडल बनाना है। हैंडल बनाने के लिए मैं यहाँ कार्डबोर्ड के इस्तेमाल करूँगी। कार्डबोर्ड के साथ मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और उसके साथ मैं हैंडल भी बना दी और इसे मैं कट करके उसको साइड में रख दी। और अभी मुझे इसका जो सामने वाला पार्ट है वाटरिंग वाला उसे मैं बनाने वाली हूँ और उसको भी मैं कार्डबोर्ड के साथ कट करके रेडी कर दी।
एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टिक बोथ द पार्ट्स इन द कैन। एंड इसे मैं स्टिक करने के लिए यहाँ हॉट ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। सो एज आई मेंशनड यू प्रीवियसली, ये जो हॉट ग्लू होगा इसे आप सेमी सॉलिड फॉर्म में ही यूज़ करवाना, क्योंकि सेमी सॉलिड फॉर्म में कार्डबोर्ड को स्टिक करवाना आसान होता है। एंड मूविंग टुवर्ड्स इट्स बेस पार्ट, बेस के लिए मैं हमेशा की तरह इस बार भी व्हाइट एक्रिलिक पेंट ही यूज़ कर रही हूँ। और व्हाइट एक्रिलिक सूखने के बाद मैं इसके ऊपर मेरी फेवरेट टील ब्लू कलर यूज़ करूँगी। एंड ये मेरा टील ब्लू कलर अप्लाई होके सूख भी गया। एंड इसके ऊपर मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ। सो आई पर्सनली प्रीफर येलो एक्रिलिक पेंट ओवर द टील ब्लू कलर। एंड इस बार भी मैं इससे ही डेकोरेशन करने वाली हूँ। और इस बार मैं 3D आउटलाइनर यूज़ करूँगी येलो कलर की। और इसे बनाने के तरीके को मैं बहुत ही सिंपल रखी हूँ, बस आप इस तरह इसे ओवरलैप करके बहुत ही अच्छा ज्योमेट्रिक पैटर्न बना सकते हो। एंड फॉर द हैंडल पार्ट आई ओनली कवर द आउटलाइंस ऑफ दिस विद 3D आउटलाइनर। एंड नाउ टू डेकोरेट द कैन आई एम मेकिंग सम डॉट्स। एंड डॉट्स के लिए मैं एक्रीलिक पेंट यूज़ करूँगी और ब्रश का जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसके हेल्प से मैं बहुत आसान तरीके से ये वाला भी ड्रॉ कर दी। अगर आपके पास कुछ राइनस्टोन्स हो तो इट्स बेटर टू यूज़ राइनस्टोन्स ऑल्सो। सो मुझे लगा दोस्तों कि मैं आपको दोनों ही दिखा देती हूँ। सो मैं डॉट प्रिंट भी बना ली और मैं राइनस्टोन भी यूज़ कर ली। एंड इसका जो साइड पोर्शन है इसके ऊपर भी मैं डॉट प्रिंट के साथ ही डेकोरेशन कर दी। एंड टू ड्राइड अप कम्प्लीटली आई हैव लेफ्ट इट अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 hours। एंड देन आई एम गोइंग टू डेकोरेट इट एंड इट्स डेकोरेशन टाइम। ये मेरा छोटा सा कर्नर है घर की, जिसको मैं अभी डेकोरेट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कोजी कर्नर सा चाहिए था जहाँ बैठ के मैं कुछ कर सकूँ, जहाँ बैठ के मैं पेंटिंग कर सकूँ या फिर कुछ नॉवेल्स पढ़ सकूँ। सो इसीलिए मैं यहाँ पहले तो मैट के साथ इसका फ्लोर कवर कर ली, और मेरे पास इतना बड़ा कारपेट नहीं था सो इसीलिए मैं फ्लोर मैट के साथ भी इसे कवर कर दी। एंड नाउ इट्स टाइम टू डेकोर सम इंडोर प्लांट्स, और मुझे तो इंडोर प्लांट्स बहुत ही पसंद है तो मैं यहाँ भी इंडोर प्लांट्स रख दी। एंड मैं हमेशा फ्लेमिंगो को पता नहीं पानी के साथ ही देखी थी, सो मुझे लगा कि फाउंटेन के पास ही इसे प्लेस कर दूँ सो दैट इट विल लुक सो बेटर। एंड मैं इसे भी प्लेस कर दी। एंड ये जो बुद्ध पेंटिंग आप देख रहे हो दोस्तों, ये मेरी खुद की बनाई हुई है और बहुत ही इजी तरीके से मैं किड्स के लिए बनाई थी। एंड मैं इसकी लिंक भी आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगी सो दैट यू विल फॉलो एंड मेक इट सो इजीली। दोस्तों ये जो मैं कैन बनाई थी और आपको बोली थी कि मैं बाद में इसे डेकोर करूँगी, मैं इसे ब्रश के साथ और एक फ्लावर बंच के साथ इसे भी डेकोर कर दी, और ये भी मेरा तैयार है। एंड इट्स टाइम टू पुट सम अरोमा। एंड ये मेरा फेवरेट अरोमा कैंडल्स है और इसे मैं भी यूज़ कर दी इस कर्नर को डेकोरेट करने के लिए। दोस्तों मुझे वार्म लाइट एंड एरोमा कैंडल्स ये सब बहुत पसंद है, इसीलिए मैं एरोमा कैंडल्स भी बहुत यूज़ करती हूँ। एंड इट्स टाइम टू पुट सम फेरी लाइट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि फेरी लाइट्स के बिना मेरे ये सारे प्रोजेक्ट अधूरा ही रह जाएगा। एंड अब मैं यहाँ कुछ नॉवेल्स रख रही हूँ, ये तो इतनी धीमी लाइट में पढ़ा नहीं जाएगा, फिर भी आप लाइट सर्न करके आप इसे आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। एंड इट्स द बेस्ट प्लेस फॉर योर स्नैक्स टाइम एंड इट्स 3D नाउ। Thank you.
एंड दोस्तों ये वाला जो वॉल हैंगिंग है इट्स माय फेवरेट वॉल हैंगिंग जो मेरी खुद की बनाई हुई है और मैं इसकी भी लिंक आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगी सो दैट यू कैन मेक इट टू। एंड ये वाला मैं यहाँ डाल देती हूँ सो दैट इट विल कम्प्लीमेंट माय कॉर्नर। एंड देखिए दोस्तों ये मेरा ब्यूटीफुल सा कॉर्नर तैयार हो गया। मुझे आप ज़रूर बताना कि आपको ये वाला कॉर्नर कैसे पसंद आया। अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरह वीडियो देखने के लिए आप बेल वाले बटन को प्रेस कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू डिक्लेयर अ गिव अवे ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। लेट मी नो द फीडबैक अबाउट दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। Thank you.